हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा और चौड़ा होने वाला है। आज हमारा एक दिन का स्टेकेशन का प्लान है और ये प्लान हम लोग ने बहुत पहले किए थे, फिर लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में पूरा प्लान कैंसिल हो गया। अभी लॉकडाउन खुल गया, इस वजह से हम लोग ने वापस से प्लान किया है कि एक दिन का स्टेकेशन करते। और ये स्टेकेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं करनाला, कि कौन सा फार्म है वो सब उधर जाके बता दूंगा। उसके पहले मेरे को एक घर का छोटा सा काम है, वो करते फिर निकलते। जो काम था वो हो गया, अभी डायरेक्ट करनाला में मिलते। तभी तक एंजॉय द राइड। सो जैसे कि हम लोग वो घर का काम करके निकले और तभी कुछ हो रहा था 11:35 या 40, और हम लोग अभी 12 बजे इधर टच हो गए। एक हॉल्ट लिए चाय पीने के लिए, फिर चाय पी के निकलेंगे। परवेज वो लोग सब लोग तो उधर पहुंच गए, वो लोग पहले ही निकल गए थे, कुछ 9:30-10 बजे निकल गए थे। पता नहीं इतना जल्दी क्यों गए, पर पहुंच गए वो लोग। अभी मैं और समीर है, थोड़ा चाय पी के फिर निकलेंगे। ठीक है, हम लोग निकले, फिर एक गलती हो गई हम लोग से। हम लोग को ब्रिज के नीचे से आने का था, पर हम लोग ब्रिज चढ़ा दिए। वापिस से जो रास्ते से आए वही रास्ते पे जा रहे थे। फिर अचानक से मैंने देखा ये रास्ता किधर देखा देखा सा लग रहा है, तो मैंने रुकाया, इसको बोला हम लोग गलत आ गए, वरना अभी 10-15 मिनट ही लेट हुए, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। फिर उधर से रॉन्ग साइड से फिर हम लोग आए। और ये फार्म का नाम है जकी फार्म, करनाला में। अगर चेकआउट करना है तो कर सकते हैं आप। बाय द वे अभी मेरा फ़ोन बहुत बिक रहा है और रास्ते में बहुत बारिश मिली थी। अच्छा हो गया, हम लोग ने पहले से तैयारी की थी रेन सीटर पहन के। अभी आए, जो टेंट वगैरह हम लोग ज़्यादा करके टेंट में रहते, पर टेंट अभी बुक है, तो हमको अभी ये इधर जो रूम है वो मिला है। कोई बात नहीं, रूम में कभी स्टे नहीं किए, आज इधर स्टे कर लेंगे। ये लोग आके सब चालू कर दिए खेलना वेलना। अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश होते, फिर जो भी फार्म का है वो दिखा दूंगा। अभी जो रूम है वो भी दिखा देता हूँ, चलो। ये रूम है, इसके अंदर 6-7 जन रह सकते हैं। और वो जो टेंट है उसके जो है, अगर टाइम मिला तो उसका दिखा दूंगा, अगर उधर जाने मिला तो। अगर अभी शायद बुकिंग्स है उधर, या फिर उधर कोई रहेगा, इसके लिए अभी नहीं जाएंगे। और उधर कम से कम मिनिमम 6 मेंबर लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12-13 लोग रह सकते उधर। तो कभी भी बुक करना है तो अन्नावर इंस्टे से बुक कर सकते हैं। डू चेकआउट, अच्छी जगह है, ऐसा लगता है गांव में आ गए। अभी फ्रेश होते फिर नीचे जाते। और ये रूम में एक छोटी सी बालकनी भी है, जो इधर से पूरा व्यू दिखता है। व्यू देख लो, बैटरी कम है, वो चार्ज होने लगते। मोबाइल लेके नहीं जा सकता, बहुत बारिश हो रही है, इस वजह से वो बारिश कम हो जाएगी तो फिर पुल का और हट है वो भी दिखा दूंगा। और आगे जाएंगे तो एक वाटरफॉल है। अभी खाना जो ऑर्डर दिया था वो भी आ गया है। अभी रूम में बैठ के खा नहीं सकते थे, इसलिए बाहर आए खाने के लिए। इधर हट है, उधर बैठ के खाएंगे, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल में जाएंगे। उसके बाद एक वाटरफॉल है, उधर भी जाएगी। और बाहर बैठ के खाने का
अलग ही व्यू है। ये व्यू इधर बैठ के खाने में मजा आएगा। इधर कुछ अलग ही पार्टी चल रही है वो लोग की। ये तेरा गिला नहीं है ना? गिला है भाई, गिला है, सबका गिला है। ये चिकन हंडी, ये बटर पनीर मसाला और ये बटर चिकन। अभी सबका खाना खा के सब हो गया है। अभी थोड़ा सा आराम करके फिर नहीं, पहले वाटरफॉल के लिए जाएंगे, फिर बाद में पूल में जाने के लिए बोल रहे। पहले वाटरफॉल देख के आते, फिर बाद में पूल में जाते। खाने के बाद तो हम लोग डायरेक्ट सो ही गए थे, फिर अभी उठे तो सबको एक एक करके उठाया मैंने, रेडी किया, बोला वाटरफॉल इतना दूर आए तो कुछ तो देखने के लिए मिलना चाहिए ना, तो इस वजह से मैंने सबको बोला चलो वाटरफॉल देखते हैं, वरना अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो अभी वाटरफॉल देखने हैं। देखने गए थे तो उधर से बहुत दूर लग रहा था, पर नज़दीकी है। एक टाइम का ट्रेकिंग भी हो गया ये, और नेचुरल वाटरफॉल भी है। इधर देख लो ओ भाई, अच्छा हुआ मैं जो शूज़ पहनने वाला था वो पहना नहीं मैंने, लिया नहीं, वरना खाली खिली ये बारिश में ख़राब हो जाते थे। ए आराम से अभी ज़्यादा बारिश नहीं है, इस वजह से ये पूरा खाली खाली है। अगर बारिश रहती है तो ये पूरा जो दिख रहा है ना वो भी नहीं दिखता है, पूरा भर जाता है पानी पानी, मतलब ज़्यादा ही, मतलब फ्लो ज़्यादा रहता है इसका। अभी बारिश कम है तो थोड़ा सा कम है, आगे जाके बारिश होगी तो पूरा भर जाएगा। जितना भी है मज़े आ रहे, एंजॉय कर रहे। अभी पूल में जाएंगे, फिर मिलते हैं। अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैं स्लीपर्स में हूँ और बारिश की वजह से जो ग्रीन ग्रीन इशू रहता है ना उस वजह से पैर फिसलेगा, इसके लिए अभी कैमरा बंद कर देता हूँ और डायरेक्ट पूल के इधर मिलते हैं। अभी वाटरफॉल से इधर आ गए। ये बहुत ओपन स्पेस है, इधर चाहिए तो तुम लोग क्रिकेट खेल सकते, फुटबॉल खेल सकते, जो चाहिए वो खेल सकते। कितनी बड़ी स्पेस है, और रात में इधर बैठने वैठने के लिए अच्छा रहेगा, पर अभी बारिश है तो बैठ नहीं सकते। पर इतनी सारी जगह है, रेसलिंग कर सकते, जो करने का वो कर सकते, कोई तुमको कुछ बोलेगा नहीं, बोलने नहीं वाला, कुछ भी कर सकते तुम। पकड़ रहा है अभी, थोड़ा थंबनेल के लिए एक फोटो ले रहा हूँ। फेस के इसमें पकड़ना, ऊपर पकड़ थोड़ा। आया, ये लोग जल्दी आ गए, ये लोग ने सब मजे कर लिए, मैं और समीर लेट आए, तो अभी हम लोग पूल में जाएंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। इसको थोड़ा गंदा लग रहा है पूल, तो साफ कर रहा है, साफ करने के बाद उड़ी मारेगा। अच्छा अच्छा समीर, अच्छा ओ भाई ये सब हमको नहीं आता, हम डायरेक्ट उड़ी मारते हैं। अभी दिखाता हूँ मेरी बारी। It was at this moment that he knew he A few moments later. देखो नसीब अच्छी थी, मैं गिरा तो फिर भी प्लाई पे नहीं गिरा, पानी में गिरा, उस वजह से थोबड़ा बच गया, वरना अभी था इधर से जाके डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अभी गरम गरम पानी का नहाने का कुछ अलग ही मज़ा है। अभी फ्रेश हो गया है, थोड़ा भी नींद जैसी आ रही है ऑफिस से, तो अभी सोते थोड़ा आराम कर दे, फिर रात में मिलते। अभी देखते, सब लोग ने तो जोश जोश में पूरा ऑर्डर कर दिया मेन्यू, अभी देखते खत्म होता है या नहीं। The next day. हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। कल रात को इतना खाना मंगा कि खाने के बाद ऐसी नींद आई ना, जो सोए ऑफिस से अभी उठे,
फिर फ्रेश होके अभी हम लोग कल जो बोला था मैंने कि बकरियों का फार्म है वो इधर वो रूम से थोड़ा सा दूर में है, और ये एक न्यू टेंट है, और जो बड़ा वाला टेंट है जिसके अंदर मिनिमम 6 से 7 लोग लगते, वो अभी थोड़ा वो गेस्ट है वो अभी चेकआउट करेंगे तो उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तभी तक ये बकरियों का फार्म देख लो। खा लेगा ये तो पूरा कैमरा मेरा। ओ भाई इसका ये तो देखो, ओ भाई इधर दो अलग अलग जगह पे, उधर छोटे वाले बकरे हैं और इधर बड़े वाले, और इधर अलग अलग नाम है ये सब बकरियों का, अलग अलग नाम है, मतलब इधर शीप्स भी है। क्या बोलते हैं गोठा। अभी ये दो जगह पे थे, और अभी जो हट बाकी है वो भी दिखा दूंगा वो गेस्ट जाने के बाद। तभी तक अभी बारिश भी ऑफिस से आना चालू हो गई, जितने देर रूम में रहते तभी बारिश नहीं आती, जैसे रूम के बाहर आते वैसे बारिश आना चालू हो जाते, कुछ अलग ही है। और इधर से व्यू देखो भाई, ये और ये नया बना है, पहले ये पूरा जगह खाली था, इधर से व्यू अच्छा आता था, अभी कोई है कि नहीं पता नहीं, आगे जाके देखते कोई रहेगा शायद। और नीचे भी बहुत सारे टेंट थे, अभी फ़िलहाल शायद बंद है, वो लोग ने रखा नहीं है, ये दोनों न्यू हैं। और जब भी हम लोग आते वो वाले टेंट में रहते, वो कैसा स्पेशियस है, रूम थोड़ा सा छोटा लगता है पर रूम भी अच्छा ही है, ज़्यादा करके हम लोग टेंट में ही रहते। जितनी दूर नज़र जाती है पूरी ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी है पूरा। जैसे हम लोग वो बकरियों का फार्म दिखा के निकले, मैं बोला वो हट है वो भी दिखा दूंगा, पर वो हट में अभी भी गेस्ट सो रहे, उन लोग को शायद टाइम लगेगा, हमारा 11 बजे का चेकआउट है, अभी कुछ 10:30 हो रहा है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो वो हट भी दिखा दूंगा। आज के लिए बस इतना ऐसा ही रखते, कुछ भी अच्छा लगा रहेगा वीडियो में लीव अ लाइक, शेयर इट विद द फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तभी तक लिए टाटा बाय बाय। जब तक उधर थे तो अचानक से बारिश आ गई, अभी देखो कितनी धूप आ गई है, मतलब हम लोग को गीला करने के लिए आए थी। चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम हो रहा है तो निकलते, टाटा बाय बाय। अभी जस्ट पहुँचे फार्म से, निकलने के लिए हम लोग ने JNPT का रास्ता लिया था, पूरा रास्ता तो खाली था, सिर्फ जो उल्वे का एक ब्रिज है उधर थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, और वो ट्रैफिक में इतनी धूल थी ना भाई, क्या पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा ही कुछ ट्रैफिक था। अभी राइड स्कूटी से राइड करने का एक ही बेकार चीज़ है ये, अभी दिख ही नहीं रहे, समझ रहे हो कितना धूल था JNPT में। और जो भी राइड कर रहा है सेफली राइड करो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तभी तक के लिए टाटा बाय।